हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M121GK में। बहुत दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा तबीयत स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं था। तो आज बहुत बड़ी आप लोग के लिए अपडेट देने वाला हूँ राशन कार्ड को लेकर। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जो बिहार सरकार के फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सॉरी बिहार, उसके वेबसाइट पर मैं आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, और वहाँ पर जो बिहार सरकार का जो राशन कार्ड ऑनलाइन पहले बनता था, वह कुछ दिन के लिए बंद हो गया था। फिर अब क्या है, फिर से ऑनलाइन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। तो ये ऑनलाइन कैसे करना है, पोर्टल में क्या करना है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है अपने मोबाइल के जो क्रोम में चलाता हूँ, तो सबसे मैं अपना क्रोम ओपन कर लूँगा। क्रोम जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लिखना है EPDS और सर्च कर देना है। EPDS लिख कर सर्च कीजिएगा, और जो एक नंबर पर यहाँ देख सकते हैं EPDS जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा, आपके मोबाइल पर चाहे आपके लैपटॉप पर। अगर आप लैपटॉप पर ओपन कर रहे हैं तो भी इसी तरह दिखाएगा, और मोबाइल पर लैपटॉप कर रहे हैं तो इसी तरह दिखाएगा। अगर इस तरह से नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट का चिन्हासी देख रहा है, वहाँ पर लिख कर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। तो मैं पहले से ही डेस्कटॉप साइट पर क्लिक किया हूँ, तो मैं जो है रहने दूँगा। और यहाँ पर थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूँ। देखिए, जूम कर लेने पर यहाँ पर होता है होम मिलेगा, आपको लॉगिन मिलेगा, RC प्रिंट यानी राशन कार्ड प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, RCM रिपोर्ट मिलता है, RC डिटेल मिलता है, राशन कार्ड डिटेल मिलता है। और फिर इस कोना में, दाहिने बगल कोना में इम्पोर्टेड लिंक के जगह पर आप देख सकते हैं कि RC इशू सिस्टम लिंक 1 है यहाँ पर, और RC ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC यानी राशन कार्ड। तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक नई हमारे सामने पेज खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेज खुल गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मांगा जाएगा आपका लॉगिन और जो है पासवर्ड मांगा जाएगा। तो अगर आप नए हैं, आपके पास लॉगिन पासवर्ड आईडी नहीं है, तो थोड़ा नीचे आइएगा तो लॉगिन के नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अच्छा से देखिएगा। देखिए, रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप रजिस्टरी कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पासवर्ड और जो है लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसके पहले देखिए यहाँ पर एक फ्लैश हो रहा है PDF, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसमें देखता हूँ कि इस PDF में क्या बताया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन किया तो इस PDF को ओपन कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लीकेशन यूजर मैनुअल, तो इस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या करना है। तो सिंपल 6 स्टेप टू अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड एप्लीकेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऐड एप्लीकेशन डिटेल, ऐड मेंबर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में जाना होगा, उसके बाद मेंबर को ऐड करना होगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। आपको एक जो है सो रिसीविंग मिल जाएगा, उस रिसीविंग को रख लीजिएगा। और पूरा जो इस तरह का देखिए, आप रजिस्ट्रेशन ऐसे करना है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है, सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नेम लिखना होगा, एप्लीकेशन नेम हिंदी लिखना होगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और गेट OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है OTP यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 6 डिजिट का OTP आ जाएगा, आप यहाँ OTP डालकर और यहाँ पर वैलिडेट OTP पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर करने के बाद जो है फिर आप यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपको आधार कार्ड डालने का, स्टेट चुन लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा, पिन कोड डाल लीजिएगा, पासवर्ड डाल लीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चे को यहाँ डालकर और डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके जो है यहाँ पर बताएगा कुछ इस तरह से, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ से आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा और आपके मोबाइल पर जीमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड चल जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको इस तरह से इस पेज पर आ जाइएगा, लॉगिन वाला पेज पर, और लॉगिन करके आप जो भी डाटा मांगेगा आप डाटा फिल करके आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो यह जो है टोटल
राशन कार्ड ऑनलाइन का सिस्टम बिहार सरकार ने ला दी है, तो आप सब इसका लाभ उठाइए, आप उपयोग कीजिए इसका ऑनलाइन घर बैठे लॉकडाउन में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जय हिंद, जय भारत।